भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सिबली पर्दा कराओ। आई मीन ये जरूर लिखा है कि हाँ एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करे तो जबरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए। ये नहीं लिखा है यार, अब जाके फिर से कुरान पढ़ो। हाँ बट ये जरूर लिखा है, सॉरी मैं एक बॉम्ब ड्रॉप करने जा रही हूँ सारे मर्दों के लिए, ये जरूर लिखा है कि मर्दों को नजरों का पर्दा करना जरूरी है। मतलब कि एक आदमी एक औरतों को शादी से पहले उस नजरिए से देख ही नहीं सकता है। आई एम सो सॉरी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आके लड़कियों को देखते हैं और देखते भी हैं फिर उनकी पिक्चर्स पे फालतू कमेंट्स भी करते हैं, वो हराम है, आप नहीं कर सकते हो ये सब। आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो यार, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने, बहुत गलत कर रहे हो आप। और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना, वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वो अप्रेस थी। इस्लाम में 4 शादियां भी इसीलिए अलाउड हैं क्योंकि उस टाइम पर जब औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका फ्रीली रेप कर लेते थे और उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाके जस्टिस मांगे, तो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउ की गई। बट कट्टू 1500 साल बाद देखे मैं, डू आई लुक लाइक सम ऑप्रेस्ड मुस्लिम वुमन? नो आई एम नॉट, आई एम नॉट एन ऑप्रेस्ड मुस्लिम वुमन, आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर हेल्प एंड सो Also, I'm not asking for your advices. Stop advising me what to do with my body, how to dress myself and blah, 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 blah. And ek aur cheez, just because I sin differently than you doesn't mean you're less of a sinner. I mean, kitni aisi Islam mein cheeze likhi hain jo aap khud follow nahi karte ho, par ek ladki ko hidayat dete ho ki aise nahi waise kapde pehno. Aap kya karte ho, huh? You guys know, right? Islam mein premarital sex haram hai. But You do this. और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? I don't think so. मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना इंस्टाग्राम पे लड़कियों के पिक्चर्स पे कमेंट करने का इतना टाइम नहीं मिलता आपको। सो ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट आउट देयर, मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप करना चाहूंगी कि मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ।